हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में, जिसको कि आप जानते हैं प्राजोप्रेस एक्सल 5 के नाम से। तो इस टैबलेट को यूज किया जाता है हार्ट से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए। बात करेंगे इसको आप किस नाम से खरीद सकते हैं, इसका यूज क्या होता है, डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो यह जो टैबलेट होता है प्राजोप्रेस एक्सल 5, यह प्राजोप्रेस एक्सल 2.5 भी रहता है, ठीक है, तो यह दोनों कंपोजिशन में रहता है। तो यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको यूज किया जाता है हाइपरटेंशन, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह टैबलेट क्या करता है कि हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसको डायलेटेड कर देता है या रिलैक्स कर देता है। उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल तक आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो इसके वजह से जो आपको हार्ट अटैक होने का चांस रहता है, स्ट्रोक होने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा होता है, वो सब ठीक हो जाता है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, उसके वजह से हमारा जो सिर में नस रहता है वो उसके साथ फट जाता है या लीकेज कर जाता है, उसको कहा जाता है ब्रेन स्ट्रोक। या हार्ट में उस तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको कहा जाता है हार्ट अटैक। तो उस तरह का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यह प्राजोप्रेस एक्सल टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा और दिया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंडिन का प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति का, पेशाब करने के टाइम जलन होता है, दर्द होता है, पेशाब सही से नहीं निकलता है, तो उस टाइम भी डॉक्टर के द्वारा यह जो प्राजोप्रेस एक्सल टैबलेट है दिया जाता है। तो यह टैबलेट आपको मार्केट में 450 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें कि 20 टैबलेट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस, यह होता है इस टैबलेट का यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी लग सकता है, सर दर्द, सिर में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होता है तो टैबलेट को यूज करना बंद करके डॉक्टर को एक बार जाके ज़रूर से दिखाएं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, बिना डॉक्टर के सलाह कभी भी यह टैबलेट को घर में यूज ना करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज के बारे में, इसको कैसे खाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है, दिन में जनरली 1 बार ही दिया जाता है, और अगर आपके डॉक्टर बोले तो दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जिस टाइम भी लेते हैं, अगर आप सुबह 7 बजे या 8 बजे खाते हैं तो हर दिन आपको उसी टाइम में यह टैबलेट को लेना है। अगर आज आप 7 बजे खाए हैं तो कल आप 8 बजे नहीं खा सकते हैं, उसी टाइम पर ही लेना होता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप भूल जाएं तो और दूसरे टाइम पे ना खाएं, फिर से वो दिन बंद करके अगले दिन को आप खा सकते हैं, तो इसको आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, बिना डॉक्टर के सलाह इस टैबलेट को कभी भी घर पे यूज ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।